क्या है झारखंड के दिल में, क्या प्रत्याशी लड़ पाएंगे ये जंग, भ्रष्टाचार की जकड़ में डूबा विकास, क्या बबलू रवानी विकास को देंगे किनारा। इन दिनों पूरे झारखंड में नगर निकाय चुनाव की चर्चा है। सभी भावी प्रत्याशी जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। देवघर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 31 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी के तौर पर लगातार जनता के बीच अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं बबलू रवानी। बबलू रवानी शुरू से ही सामाजिक स्तर पर जुड़े रहे हैं। इस बार 31 नंबर वार्ड से वार्ड पार्षद प्रत्याशी के तौर पर जनता की अदालत में है। वार्ड पार्षद प्रत्याशी बबलू रवानी ने बताया कि सम्मानित पर्वत जनता जनार्दन और युवा साथियों का सहयोग मिला और मैं सफल रहा तो निश्चित तौर पर वार्ड नंबर 31 का सर्वांगीण विकास होगा। सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ जन जन तक पहुंचाने का काम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आदर्श भारत टीवी। पूरे झारखंड में नगर निकाय चुनाव का चर्चा काफी जोरों पर है। सभी चुनाव लड़ने वाले भावी प्रत्याशी लगातार अपने अपने जनता के बीच अपना भागीदारी सुनिश्चित करना शुरू कर चुके हैं। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं देवघर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 31 में, जहां से एक युवा वार्ड पार्षद प्रत्याशी का चर्चा काफी जोरों शोर पर हो रहा है, जिनका नाम है बबलू रवानी। बबलू रवानी हमारे बीच मौजूद है। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार चुनाव में क्या क्या मुद्दा रहेगा और किन किन मुद्दा के साथ ये जनता के अदालत में जा रहे हैं। अगर इनको 31 नंबर वार्ड के सम्मानित जनता जनार्दन युवा साथियों ने अपना बहुमूल्य वोट देकर वार्ड पार्षद के पद पर सुशोभित किया तो प्राथमिकता के आधार पर ये कौन कौन सा कार्य करेंगे। बबलू जी, लगातार सामाजिक स्तर पर आपकी भागीदारी रहती है, इस बार नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 31 से आप वार्ड पार्षद प्रत्याशी के तौर पर जनता के अदालत में रहेंगे, क्या मुद्दा इस बार रहेगा? मेरा मुद्दा रहेगा वार्ड का विकास हो। सरकार के द्वारा जो भी वार्ड विकास के लिए योजनाएं चलाई जाती है, उस योजना को निस्वार्थ भाव से मैं धरातल पर उतारने का कार्य करूंगा और साथ ही साथ वार्ड में जो नाला है, रोड है, गंदगी है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं साफ सफाई बनाए हुए रखूंगा। चूंकि लगातार आपकी उपस्थिति जनता के बीच हो रही है, अभी सबसे अधिक वार्ड नंबर 31 में सबसे अधिक किस तरह का समस्या आपके सामने उभर कर आ रहा है? अभी वार्ड नंबर 31 में बहुत लोगों का है कि राशन कार्ड, गरीब लोगों का राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ता है जी। उसमें काफ़ी परेशानी कठिनाई उन लोगों को करना पड़ता है और जहाँ तक कि लोग कहता है कि राशन कार्ड में नाम चढ़ाएंगे तो इतना लगेगा, इतना लगेगा और होता भी नहीं है। तो मैं तो पहले कहा, निस्वार्थ भाव से जो भी हमसे कार्य बन पड़ेगा, मैं जनता का सेवा के लिए, वार्ड नंबर 31 की जनता का सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से मैं करूंगा, कार्य करूंगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन धरातल पर योजना आते आते दम तोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपके कहने के हिसाब से आपके वार्ड में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पाता है। तो इसके जिम्मेदारी तो अगले का जो पार माने अभी रह चुके हैं उन लोगों का है, क्योंकि वे लोग गरीबों को जो मिलना चाहिए, कहने का मतलब कि जो गरीब का चीज़ है बहुत सक्षम को मिल जाता है। तो कहीं न कहीं इसमें मिली भगत होती है कि जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिलता है। तो मैं इस चीज़ पे अधिक ध्यान दूंगा कि जो व्यक्ति योजना को लेने लायक है उसी को ही मिले, अन्यथा औरों को नहीं दिया जाए। तो इस बार नगर निकाय चुनाव बहुत करीब है, आप भी वार्ड पार्षद प्रत्याशी हैं, यहाँ 31 नंबर के वार्ड के जनता जनार्दन से, अभिभावक कुल, मतदाता मालिकों से, युवा साथियों से क्या अपील करना चाहेंगे अपने चुनाव को ध्यान में रखते हुए? मैं अपील यही करना चाहता हूँ कि आपका जो भी समस्या होगा आप मुझे बताएंगे और उस पे मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के चलूंगा। यही मेरी उम्मीद है और जनता से भी उम्मीद है कि आप एक बार मुझे
सेवा का मौका दे आपके लिए। पर ये थे बबलू रबानी जी, जिनका यह मानना है कि तमाम सभी सम्मानित जनता जनार्दन और युवा साथियों से अपील है कि एक बार मुझे सेवा का मौका दें। निश्चित तौर पर वार्ड नंबर 31 का सर्वांगीण विकास होगा। सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ जन जन तक पहुँचाने का काम होगा।